नमस्कार, मैं हूं फरहान और GLCC न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं और वहां भाजपा के प्रत्याशी हैं SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री हैं। टक्कर बहुत ही जोरदार है, दोनों पक्ष नहीं चाहते कि उनका प्रत्याशी हारे, लेकिन दोनों ही पार्टियों के मन में एक भय है। जरूर अखिलेश यादव को अब तक लग रहा था या उनके समर्थकों को लग रहा था कि अखिलेश यादव शायद करहल से एक तरफा जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन जब करहल विधानसभा में मुलायम सिंह यादव की एंट्री हो जाती है तब बिल्कुल लगने लगता है कि शायद अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस सीट में कहीं उनकी हार ना हो जाए। क्या ऐसे कारण है दरअसल कि उनको लगता है कि कहीं वह सीट से हार ना जाएं? क्योंकि आपको पता है 2014 का चुनाव भी अखिलेश यादव की अगुवाई में लड़ा गया, 2017 का चुनाव भी अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में लड़ा गया और 2019 का चुनाव भी अखिलेश यादव अपनी सरपरस्ती में हार गए, यानी तीन चुनाव हारे हैं अखिलेश यादव। और यदि इस बार वह चुनाव हार जाते हैं और अपनी ही सीट हार जाते हैं तो काफ़ी निंदनीय होगा और उन्हें बैकफुट पर ले जाएगा, आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जाएगी। जिस तरह राहुल गांधी अमेठी लोकसभा की सीट स्मृति ईरानी से हार गए। आइए हम आपको बताते हैं कि दरअसल करहल विधानसभा का जो गणित है वह क्या है और अखिलेश यादव को क्यों डर लग रहा है कि उन्हें अपने पिता मुलायम सिंह यादव को रैली के लिए उतारना पड़ा, वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जाकर खड़े हुए, उन्हें चुनावी रैली करनी पड़ी, जबकि एक तरफा जीत यदि उनको मिल रही होती तो मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव को करहल विधानसभा की ओर कूच करना पड़ता। हम आपको बताते हैं कि 3,71,000 वोट हैं, 3,71,000 वोट हैं करहल विधानसभा में। अब इसमें 1,44,000 यादव वोट है, 1,44,000 यादव वोट है, जिसमें मुस्लिम वोट 14,000 है, 35,000 शाक्य हैं, 34,000 जाटव हैं, 25,000 क्षत्रिय हैं, 14,000 ब्राह्मण हैं, 14,000 पाल समुदाय के लोग हैं, 10,000 लोधी हैं, 17,000 कठेरियां हैं और 3,000 वैश्य हैं। तो 1,44,000 यादव वोट यदि अखिलेश यादव को प्राप्त हो जाता है तो समझ लीजिए कि जितने भी वोटर हैं उसमें से 50% वोट तो अखिलेश यादव ने पा लिया, लेकिन पिछले चुनावों को देखते हुए उनके मन में भय है कि क्या 1,44,000 यादवों का वोट उन्हें मिलेगा। और जिन वोटों में बिल्कुल भी उन्हें उम्मीद नहीं है वह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाटव और वैश्य, जो कि 34%, 25%, 14% और 3% हैं। यह वोट उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद उन्हें प्राप्त नहीं होगा, लेकिन 1,44,000 यादवों में यदि अखिलेश यादव को पिछली बार की तरह ही समीकरण बन जाते हैं तो उम्मीद करिए कि भाजपा का प्रत्याशी एक तरफा जीत हासिल कर लेगा करहल विधानसभा में और अखिलेश यादव को अपनी सीट हार जानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में, जहां 1,44,000 यादव हैं, उन्हें चुनावी रैली करवानी पड़ी, उन्हें मंच में उतारना पड़ा। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव के अभी हृदय में एक भय है कि कहीं वह भाजपा प्रत्याशी से हार ना जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाजपा प्रत्याशी एक तरफा जीत रहा है, क्योंकि करहल विधानसभा में भाजपा के भी शीर्ष नेता जाकर वहाँ चुनावी रैली कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही कांटे की टक्कर है और बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अखिलेश यादव यहाँ एक तरफा जीत हासिल करेंगे। और SP सिंह बघेल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वह केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उनका जीतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना भाजपा की शाख में भी कहीं ना कहीं एक कमी आएगी। आपको क्या लगता है कि करहल विधानसभा सीट में अखिलेश यादव की एक तरफा जीत होगी? क्या 1,44,000 यादवों का वोट अखिलेश यादव के
पक्ष में जाएगा या फिर जो धार्मिक और जातीय राजनीति ने इस वक्त भारत को जकड़ रखा है उसी राजनीति के चलते अखिलेश यादव के समर्थन वाले यादव वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।